हम लोगों का एहतजाज यही है कि आज जो कैंडिडेट दिया गया है एक नहायत ही क्रिमिनल कैंडिडेट, एनदर जो काम नहीं किए हैं कम्युनिटी में उनको दिया गया है। 17 तारीख को यही कलामुद्दीन अंसारी पूरा इलाके में बम चलाकर 28 बाइक जलाया था, बाजार में लूटा था, हिंदुओं का दुकान लूटा गया, बंगालियों का बाइक लूटा गया, आग लगाया गया, उसमें वो आदमी कैंडिडेट होगा हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं कि कमरहट्टी बीटी रोड पर टाउन तृणमूल कांग्रेस के इस पार्टी ऑफिस के सामने भी विक्षोभ चल रहा है। टीएमसी पार्टी हमारी है, हम लोग पार्टी करते हैं। हम लोगों का एहतजाज यही है कि आज जो कैंडिडेट दिया गया है एक नहायत ही क्रिमिनल कैंडिडेट, एनदर जो काम नहीं किए हैं कमरहट्टी में उनको दिया गया है। इस वजह से हम लोग इस कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छे लोगों को दिया जाए ताकि कमरहट्टी को संवार सके और चला सके। आज कमरहट्टी में ये लोग हैं तो काफ़ी बदनामी हो रही है। 17 तारीख को यही कलामुद्दीन अंसारी पूरा इलाके में बम चलाकर 28 बाइक जलाया था, बाजार में लूटा था, हिंदुओं का दुकान लूटा गया, बंगालियों का बाइक लूटा गया, आग लगाया गया, उसमें वो आदमी कैंडिडेट होगा हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और उसमें एक बुराई ये है कि जब मदन मित्रा हारता है, मैं ये जगदल में जब हारता है, अर्जुन सिंह का लड़का जीतता है, तो ये बेचारे कलामुद्दीन अंसारी जाकर अर्जुन सिंह को माला पहनाते हैं और आतंक और अभिनंदन जनाते हैं। अच्छा शौकत साहब, ये तो बीमारी आज की नहीं है, ये पुरानी बीमारी है, बीमारी है। तो अभी क्यों इस तरह से? इसलिए एक उसी आदमी को टिकट दिया गया, इसलिए हम लोग उसका मुखालफत करते हैं। हम लोग नहीं चाहते। क्या है ये अवरोध? ये अवरोध पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है। हम लोग उनका सैनिक है, उनके हम लोग नक्शो कदम पर चलने वाले, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग इसलिए ये प्रोटेस्ट, जो वोटर है आपका एक से लेकर 7 तक जो वोटर है, ये तमाम वोटर ये रास्ता पर उतरे हैं। कल से ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कल बहुत जगह प्रोटेस्ट हुआ है। हम लोग ये आशा जगह है कि बहुत से जगह कैंडिडेट चेंज हुआ है, इसलिए कमेटी में भी करें ये चेंज होना चाहिए। इसलिए ये तमाम जो वोटर हैं एक इकट्ठा हुए, रास्ता अवरोध करने आए थे। पूजा है, सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा हम लोग भी सरस्वती पूजा का बंधन करते हैं। आइए पूजा के लिए रास्ता अवरोध नहीं करना, आपने प्रोटेस्ट करना हो अपने वार्ड में जाके अपने प्रोटेस्ट कीजिए। रास्ता अवरोध करके ये प्रोटेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी बोलती है कोई भी चक्का जाम करके मसला नहीं हल होता है। इसलिए हम लोग ये चक्का खोल के हम लोग तमाम वोटर मजदूर आवाम ये प्रोटेस्ट कर रही है। एक कमेटी में जो कैंडिडेट दिया गया है उसके ऊपर सोच विचार कीजिए, या बहुत सारी जगह सोच विचार करके चेंज कीजिए। से ऊपर प्रशासन पे ऊपर जो लोग हैं उनसे क्या बात हुई है? ना हमारे एमएलए हो या हमारे एमपी हो या हमारे चेयरमैन हो, बोले कुछ भूल हुआ है, वो भूल हम लोग संशोधन करेंगे। इससे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मीडिया हमारी पैगाम हमारी पार्टी की नेत्री ममता बंदोपाध्याय पर जाए। आज हम लोग दुख से कह रहे हैं कि आज जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ये कैंडिडेट का सिलेक्शन सही नहीं हुआ है। हम लोगों ने बारह कहा है कि कामरहट्टी में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है उसी तरह काउंसलर की उम्मीदवार में परिवर्तन होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारे घर के लोगों को हो, नईम खान साहब का हो, शौकत भाई का, अख्तर का हो, कैंडिडेट ऐसा दे जो बशऊर हो, पढ़ा लिखा हो और वर्कर के बीच में काम करने वाला हो। खाली नया कुर्ता झाड़कर और लीडर बड़े बड़े लीडर के साथ घूमने से नहीं होता, एहतजाज करना होगा। हम यही करते हैं, हम अपने ममता बनर्जी और अध्यापक सौगतो राय मदन मित्रा जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर, 7 नंबर सब वार्ड चेंज होना चाहिए और एक अच्छा उम्मीदवार दीजिए ताकि तृणमूल कांग्रेस का प्रतम हमेशा रहेंगे।